స్తుతి మహిమా యేషు ప్రభు జీ గాతే ఆతే హే తుజ్ పాస్ జీవన చల కే ప్యాస్ ఈ కహి తూ హే ఆస్ జగ जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आज आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की खोज में हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। निबदन का लहू दिया, निबदन का
परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो किया है उसको अगर हम समझेंगे तो हम खुशी खुशी अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। साधारण तौर पे ले लीजिए, हम लोग जो सांस लेते हैं परमेश्वर ने ये हमें मुफ्त दिया है, ज़्यादा नहीं। अगर एक सांस का एक रुपया ही अगर परमेश्वर हमसे ले तो आप जानते हैं कि हमको रोज प्रभु को कितना देना पड़ेगा। प्रभु ने हमको मुफ्त में जीवन दिया है और मुफ्त में ही उद्धार भी दिया है। वो चाहता है कि हम उसको समझें और परमेश्वर के और करीब आए, परमेश्वर की आराधना करें। प्यारों, इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही या जो दावा किया उस पर हम ध्यान कर रहे हैं, और हर प्रभु यीशु मसीह का दावा दो बातों को हमारे सामने लाया। एक कि यीशु मसीह है कौन, और दूसरा यीशु मसीह वो होने के कारण हमारे जीवन में क्या लाभ या क्या निमंत्रण प्रभु देता है। तो पिछली बार हमने देखा था यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इस बार हम प्रभु ने कही हुई और एक बात को देखते हैं जो उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय में है और बहुत लोगों का एक परिचित भाग है। एक ही पद में तीन सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया। क्या है? 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। छोटा सा वाक्य, बहुत बड़ा सत्य यीशु मसीह ने किया हुआ दावा, या हम कहते हैं यीशु मसीह ने दावा किया। यीशु मसीह ने बिल्कुल सरल भाषा में कहा, क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बस इतना ही। लेकिन उसमें छिपा है जीवन और मृत्यु का सत्य। यीशु मसीह जब कहता है कि मार्ग मैं हूं, तो ये सोचना समझना जरूरी है कि यीशु मसीह को यह कहने का जरूरत क्या पड़ा, मार्ग मैं हूं। अब बाइबल बताती है कि दुनिया में बहुत से मार्ग हैं। कैसे मार्ग? ऐसे मार्ग जो दिखते हैं कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, अरे भाई साहब किसी भी रास्ते में जाओ, ठिकाना तो एक ही है। ऐसा होता है क्या? किसी भी रास्ते पे जाने से बंबई पहुंच जाइएगा, किसी भी रास्ते पे जाने से मार्केट में ही पहुंच जाएगा? नहीं, बहुत से रास्ते वहां जुड़े होंगे, लेकिन जीवन का जो मार्ग है वो एक ही है, 10, 12, 25 नहीं है। ये मनुष्यों का सोच है। मनुष्य खुद को तसल्ली दे रहा है कि सब रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं, ताकि वो अपने आप को ऐसा एक दिलासा दे कि मैं भी जिस रास्ते में जा रहा हूं वो मुझे वहीं लेके जाएगा। जरूरी नहीं है। अब बाइबल कहती है, मैं कुछ बातों को आपके सामने ला रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं एक पद पुराने नियम के नीति वचन से,
वहां पे ऐसा लिखा है 12 अध्याय के 15 पद में, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो जैसा चलता है वो ये सोचता है यही सही मार्ग है, यही सही जीवन है। ये पहली सच्चाई है। किसी की सुनेगा नहीं, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो अपने आप में मगन है, नहीं जानता है कि हकीकत में मैं जिसको जीवन समझ रहा हूं ये मौत का फंदा है। पहली सच्चाई। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप जो सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने किसी को सुना नहीं, परमेश्वर पर ध्यान नहीं देता, बड़े बुजुर्गों का सुनता नहीं, ये कहता है कि मैं जो करता हूं सही है, आप अपना कीजिए मैं अपना करूंगा। दूसरी बात, ऐसा लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में तो ठीक है परंतु यहोवा उसके मन को जांचता है। दूसरी बात क्या है, मनुष्य को लगता है कि जो भी मैं करता हूं वो सही है। पहला क्या है, वो दूसरों की सुनता भी नहीं है। अब ये भी उसी से जुड़ा है, क्या है, उसको लगता है कि जो भी मैं ही करता हूं वो सही है। और इसमें यह भी लिखा है परंतु यहोवा मन को जांचता है। आप जो कर रहे हैं, आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, आप जो चढ़ा रहे हैं, आप जो नहीं छूते हैं, आप जो छूते हैं, उसका आपका क्या मनसा है, कौन सा बात सही है कौन सा गलत नहीं है, इसको ठहराने वाले आप और मैं नहीं हैं। इसको ठहराने का अधिकार उसका है जिसने हमें बनाया, जिसने जगत को बनाया, जिसने स्वर्ग और नरक को बनाया, उसने नियम बनाया है। उसके नियम के अनुसार हम चलेंगे तो सही या गलत उसका सही सही नतीजा निकलेगा। तीसरी बात यह है, इसमें फिर एक जगह में ऐसा लिखा है मार्ग के बारे में, वो क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मैंने नहीं लिखा ये कार्यक्रम में खड़ा रहने के लिए, मैंने जान मुझ के ये बात नहीं लिखी। ये पुस्तक करीबन 2000 साल पहले संपूर्ण रूप से बनाई गई, हमारे भाषा में आई। यहां पे लिखा है मनुष्य ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है लेकिन उसका अंत मौत है। प्यारों, कभी कभी हमारे सामने भयंकर दुर्घटनाओं का समाचार आता है। हमारे देश में एक लड़की साउथ से बंबई आई, गाड़ी रात को 1 बजे के बाद पहुंची। वो स्टेशन पे उतरी, उसने किसको बुलाया था नहीं बुलाया था हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाद में पता चला सीसीटीवी कैमरा से कि वो किसी के साथ स्टेशन से बाहर गई। उसके बाद में कहीं दिनों तक उसका कोई पता नहीं। वो ये सोच के गई कि मैं जहां जाती हूं ये भाई साहब मुझे ठिकाने पे पहुंचाएंगे, लेकिन उस भाई साहब ने उसको मौत को पहुंचा दिया, केवल उसकी जली हुई लाश मिली। मैंने ये इसलिए कहा कि हम समझें कि हम जिसको सही समझते हैं उसका अंत कभी कभी मौत हो सकता है। केवल शरीर का मौत होता तो फिर भी हमको एक आशा होती कि भाई हमारा प्राण तो बचेगा, लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग से भटक के चलता है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या चाहता है उस पर ध्यान नहीं करता है, तो केवल शरीर का मौत नहीं होगा उसका प्राण का भी मौत होगा। ये खतरनाक बात है। इसलिए हम लोग आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें मजबूर करता है क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके प्राण की हानि होना ये परमेश्वर नहीं चाहता। तो कुछ लोग हैं जो अपने ही मार्ग को सोच के चलते हैं, कुछ लोग हैं गलत को सही समझ के उस पे जा रहे जीवन पाने के लिए, लेकिन अचानक वो रास्ता खत्म होगा और वहां पे केवल मौत होगा। उसकी के साथ जुड़ा हुआ एक और सत्य है, वो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं आपको, ये यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं जो हमको मत्ती सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में मिलती है। और यहां पे इस मार्ग के बारे में ऐसा कहा है,
सकेट फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वो मार्ग, कहां पहुंचाता है? विनाश की ओर। और यहां पे एक बात लिखा है, बहुत लोग उस मार्ग में चलते हैं। सोचिए, अगर आपको यह बताया जाए कि भाई साहब अगर ये रास्ते से जाओगे तो सामने रास्ता टूटा हुआ है और आप अपने गाड़ी और परिवार के साथ में एक खाई में पड़ जाओगे, आपका हड्डी भी नहीं मिलेगा, आप जाएंगे वो रास्ते पे? नहीं जाएंगे। कोई भी आदमी जो होश में है, समझदार है, नहीं जाएगा। बाइबल कहता है एक चौड़ा मार्ग है, बहुत लोग उसमें जा रहे हैं, और वो मार्ग क्या है? विनाश की ओर लेके जा रहा है। वो लोग क्यों जा रहे हैं मालूम है? वो मार्ग दिखने में बहुत सुंदर है, उसमें गड्ढे पत्थर कुछ नहीं है, दूसरी बात है उसमें रुकावट भी नहीं है, जो चाहे वो करो, मन में आता है वो करो, क्या पहनना है पहनो, क्या खाना है खाओ, जो नशा करना है करो, जो रिश्ता रखना है रखो, बस इसके बीच में कभी कभी भक्ति का काम भी करो, जीवन मिल जाएगा, ऐसा सोच के लोग जाते हैं। पाप किया है तो थोड़ा पुण्य भी करो, लोग सोचते हैं कि पुण्य का काम करने से मेरा पाप मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। पाप मिटने का एक ही तरीका है, वो है लहू का बहना जरूरी है। प्यारों, परमेश्वर का वचन बाइबल के लिए, कम से कम मैं अपने दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बाइबल न होती मैं ये सत्यों को कभी नहीं समझता। अरे भाई, रास्ता है, कोई चौड़े से जा रहा है, कोई सकड़े से जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, जा तो रहा है। बाइबल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हे इंसान रुक जा, हे इंसान ध्यान दे, क्योंकि जिस मार्ग में तू जा रहा है दिखता बहुत चौड़ा है, लेकिन ध्यान देगा तो ये नीचे की ओर जाता है। क्यों मैंने ऐसे कहा? आपने कभी बात करते हुए किसी से भी कभी भी ऐसा सुना कि वो नीचे की ओर संकेत करके कहता है कि हम भी स्वर्ग में जाएंगे? ऐसा कभी सुना? जब भी स्वर्ग का बात होता है ना, हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन जब नरक का बात होता है, हमारा ध्यान ऑटोमेटिक, हमारा विवेक नीचे की ओर देखता है, क्योंकि नरक नीचे होगा, ऐसा एक कल्पना हमारे अंदर है। ऊपर है नीचे होने की बात नहीं है। तो ये जो नरक का मार्ग है ना, ये बहुत चौड़ा है और ये ढलान पे है, इसका मतलब है आपको कोशिश भी नहीं करना है, आप सिर्फ आराम से खड़े रहो, ऑटोमेटिक आप नीचे जाते रहेंगे, क्योंकि वो मृत्यु की ओर पहुंचाता है। लेकिन जो स्वर्ग का मार्ग है, जो परमेश्वर का मार्ग है, जो धार्मिकता का मार्ग है, जो सकड़ा मार्ग है, छोटा मार्ग है, लिखा है, मैं आपको अपना पढ़ के दिखाता हूं, क्योंकि सकेट है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसमें पाए जाते हैं। सोचिए, जीवन का मार्ग में थोड़े होना चाहिए क्या? सब लोग जबरदस्ती घुसना चाहिए उसके अंदर, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जीवन चाहिए। लेकिन शैतान ने एक भयंकर चाल चला है, ये जो जीवन का मार्ग है ये कठिन मार्ग है, इसमें मेहनत करना पड़ता है, इसमें सांस फूलता है, इसमें ठोकर लगता है, इसमें कांटे हैं, लेकिन इसका अंत जीवन है। अब यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, कहां का? परमेश्वर को पहुंचाने वाला मार्ग। इसीलिए शायद यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया। यीशु मसीह खुद मार्ग है, लोगों के लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है, बिना कष्ट उठाए, बिना कांटों को सहे वो मार्ग नहीं बनेगा। क्या आपको मालूम है प्यारों कि आपको और मुझको स्वर्ग और उस मार्ग में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग में खुद चला, वो मार्ग यरूशलेम से लेके कलवरी के पहाड़ या गुलगोता की ओर जा रहा था। वो मार्ग बहुत कठिन था, वो मार्ग पे चलते समय यीशु मसीह को किसी ने गाली दिया, तो किसी ने अपमान किया, किसी ने पत्थर मारा, उसके आगे पीछे किसी ने चांटा मार दिया, किसी ने मुंह पे थूक दिया, लेकिन यीशु मसीह वहां से भागा नहीं। यीशु मसीह ने दूसरा सरल रास्ता ढूंढा नहीं, यीशु मसीह ने वो कष्ट का रास्ता जानबूझ के चुना, ताकि आपको और मुझको अनंत काल के कष्ट से हमेशा के लिए छुड़ा ले। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में बहुत कमजोर,
लहूलुहान, पसीना और खून मिल रहा है, और फिर भी उस भयानक क्रूस को उठाकर चुपचाप एक बध होने के लिए जाने वाले मेमने के समान यीशु मसीह वो कलवरी के मार्ग में चला गया। प्यारों, मार्ग जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक दो पद मैं आपके लिए और पढ़ता हूं। मती 11 अध्याय और उसका 27वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसको प्रकट करना चाहे। यीशु मसीह ने जब कहा मैं मार्ग हूं, इसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह के पास कोई जाता है तो वो सच्चे परमेश्वर को समझने लगता है, जानने लगता है। प्यारों, परमेश्वर के विषय में जानना और परमेश्वर को जानना ये दो अलग बात है। जब तक एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानेगा, उसका जीवन में ये सकड़ा मार्ग का कदम आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह का संसार में आकर जान देने का सच्चाई को नहीं जानेगा, वो सकड़े मार्ग या जीवन के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जिसने यीशु मसीह को जाना, जिसने ये समझा यीशु मसीह परमेश्वर का बनाया हुआ मेरे उद्धार का मार्ग है और उसके चरणों के पास आ जाएगा, उसी दिन से उसकी जीवन का सफर आरंभ हो जाएगा। और वो कहां पहुंचेगा? वो अनंत जीवन की ओर पहुंचेगा। परमेश्वर को जानना, और अगर हम रोमियो में आए तो एक बात वहां सुंदर लिखी है, उसके 5:2 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम परमेश्वर के करीब जाने का हमें अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर को जानना एक बात है, सोचो अभी किसी ने यह समझ लिया, बाइबल पढ़ लिया, किसी ने उसको बताया परमेश्वर एक है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, जान लिया। अब ये धर्मी परमेश्वर के पास मैं पापी कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं, कौन चीज से ये पाप की दीवार मेरे और परमेश्वर के बीच में है वो खत्म होगी? कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर के करीब जाने का साहस मिलता है, अधिकार मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह उनके हृदय को पाप से शुद्ध करता है। मार्ग मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। प्यारों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक और बात लिखा हुआ है इब्रानियों में कि यह मार्ग नया और जीवित मार्ग है। यह मार्ग कैसा है? नया मार्ग है, पुरानी परंपराओं का मार्ग नहीं है, परिश्रम का मार्ग नहीं है। परिश्रम हमको नहीं करना है, परिश्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया। यह कैसा मार्ग है? जीवित मार्ग है। 2000 साल पहले भी अगर कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता उसको जीवन मिलता, आज अगर विश्वास करता है जीवन मिलेगा। प्रभु के आगमन में अगर 2000 साल और लगेगा, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। इसके लिए आज हमारे सामने एक सत्य आता है, यदि आप परमेश्वर के खोजी हैं, यदि आप सत्य के खोजी हैं, यदि आप जीवन को चाहते हैं, यदि आप अपने स्वभाव से तंग हो गए हैं, तो एक नाम है, वो है यीशु मसीह। यदि उसको आप स्वीकार कीजिएगा तो आप उसी क्षण अभी परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, और जिसके बारे में आप सोच रहे थे आपको कभी मिलने का चांस नहीं था, आज आपको मसीह में हमेशा के लिए मिल जाएगा। आप चाहे तो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर इस नए मार्ग की चाल आज अभी आरंभ कर सकते हैं। मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हे परमेश्वर, सही में मैंने सोचा प्रभु कि कहीं से भी जाओ पहुंचना तो वही है, लेकिन आज मैं समझ गया कि ऐसे भी रास्ते हैं जो अच्छे दिखते हैं, जिस पे बहुत लोग चलते हैं, लेकिन उसका अंत विनाश है। प्रभु जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं जिंदगी भर उसी मार्ग में चला हूं, लेकिन अभी तक आपने मुझे मौका दिया, जिंदा रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं आज आपके साथ, आपके पीछे जीवन की ओर जाना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं।
यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्यारों, ये आपकी प्रार्थना, ये आपका निर्णय आपको स्वर्ग राज में पहुंचाएगा। इस आश्वासन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको परमेश्वर आशीषित करे। जय मसीह। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया है, अगर आप इस विषय में हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्रार्थना के विषय को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा YouTube एड्रेस है jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।